सब्सक्राइब करिए मैडोवा केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक पढ़ा है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें हमने 5 लॉज पढ़ लिए हैं और विद एग्जांपल हमने उनको समझा है। अब हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है क्लास 11 का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ में क्या है, इसको हम अगर इन शॉर्ट में बात करेंगे तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस। इसके अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि उस गैस के कितने मॉलिक्यूल्स उस वॉल्यूम में प्रेजेंट होंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हम इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं। लेकिन वहां पे कंडीशन होती है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई सी भी गैस होगी, चाहे आप बात करो नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, मीथेन की, अमोनिया की, कोई भी गैस आप लेंगे तो उस गैस का अगर एक सेम वॉल्यूम होगा तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं, जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये दूसरा कंटेनर है। अगर मेरे पास एक कंटेनर, गैस की प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम उसको जिस भी कंटेनर में जाएगा वो उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर मैंने यहां पर मीथेन गैस डाली है और इसका मैंने 100 ml जो है वॉल्यूम लिया, यहां पर मैंने मीथेन गैस ली है और ये जो कंटेनर है ये 100 ml का है, तो इसमें क्या होगा, पूरी मीथेन जो है वो 100 ml स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया, 100 ml आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इसमें सपोज करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें हमने मान लिया x होंगे, ठीक है, क्योंकि हम मॉलिक्यूल्स को तो ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है सपोज कर लिया हमने x है। अब अगर इसी सेम कंटेनर में, यहाँ थोड़ा सा शेप ऐसे हो गया था, अगर ये सेम कंटेनर हम ले रहे हैं ये भी 100 ml का है, ठीक है, इसमें अगर हम डाल रहे हैं अमोनिया गैस डाली है और वो भी हमने 100 ml गैस इसमें आएगी, अगर हम इसको फिल करेंगे तो ये पूरा अगर 100 ml का है तो इसमें अमोनिया गैस भी 100 ml आएगी और इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके भी x मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। तो इसका मतलब कि, और ये तब होगा जब हम एक ही जगह पर सेम कंडीशंस में इसको फिल कर रहे हैं या इसका हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि चाहे गैस कोई सी भी हो, मीथेन हो, अमोनिया हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कोई सी भी गैस होगी, अगर हम उसका इक्वल, अगर हम उनका इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। जैसे अगर मैंने 100 ml मीथेन गैस लिया तो इसके x मॉलिक्यूल्स हैं इसमें, ठीक है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, x जो हमने एक वैल्यू अज्यूम कर लिया। अगर हम 100 ml अमोनिया गैस लेते हैं तो भी उसके हमको x मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब अगर यहाँ हमने वॉल्यूम सेम रखा है तो हमको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी सेम मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम हाफ कर दें, अगर हम 100 की जगह 50 ml ले लें अमोनिया गैस, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो भी हाफ हो जाएंगे, x by 2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम हाफ होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे। इस तरह से अगर हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डबल कर दें, यहाँ पे हमने ऑक्सीजन गैस ले ली, कोई सी भी गैस आप ले लो, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 200 ml ऑक्सीजन गैस ले ली, मतलब हमने वॉल्यूम को डबल कराया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अगर हमने वॉल्यूम को डबल कराया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे। तो 200 ml अगर हमने ऑक्सीजन गैस ली है तो मॉलिक्यूल्स जो है वो 2x हो जाएंगे। तो ये था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रोस लॉ। ये आपको समझ में आ गया हो तो
तो हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो हम यूज करेंगे। फर्स्ट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटम, एटम का मास, मास ऑफ वन एटम। एटम कौन से होते हैं? इट मे बी सोडियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और एनी एटम। तो एक एटम का जो मास होगा उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। इसके बाद अगर हम मोलर मास की बात करते हैं तो मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स, वन मोल पार्टिकल्स। आपने नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा पढ़ा है, अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पर मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि नया वर्ड नहीं है आपके लिए वन मोल पार्टिकल। तो वन मोल जो पार्टिकल्स हैं, इसका मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल्स। और ये कितना होता है, मास कितना होता है इसका पार्टिकल्स का? या इट इज इक्वल टू मास ऑफ 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स। मतलब इतने पार्टिकल्स का एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स का जो मास होता है उसको हम कहते हैं मोलर मास। पार्टिकल्स में हम किन किन को लेते हैं? एटम्स को एंड मॉलिक्यूल्स को। एटम्स का जो मास है वो हम किस में देखते हैं? ग्राम एटॉमिक मास में, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स का मास हम किस में देखते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। ये क्लियर हो गई टर्म्स आपको। नेक्स्ट टर्म आती है मॉलिक्यूलर मास, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूमेरिकल अब आप करोगे इस चैप्टर में उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मेरे को ये टर्म समझाने की जरूरत पड़ी, आपको पहले से आती होंगी बट अभी एक बार हमें रिवाइज करनी जरूरी थी क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आप इस तरह की टर्म्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल से क्या मतलब हो गया? जैसे वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया का मॉलिक्यूल। ये क्या है? जब मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तब वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो या आप मॉलिक्यूल को Cl2 क्लोरीन एटम्स, जब ज्यादा दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हो गए मॉलिक्यूल। तो इनका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आना चाहिए तभी आपके न्यूमेरिकल होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लेते हैं। अगर वाटर है तो वाटर का हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 2, ठीक है। 2 × 1 × 2 करेंगे, 1 होता है एटॉमिक मास, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 इसमें नंबर दे रखा है। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये कितना हो गया टोटल? 18, 18 इसका मोलर मास हो गया और इसकी यूनिट हम म्यू लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है 40 प्लस ये 2 है, 2 O के संग और H के संग दोनों के संग 2 आ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन का कितना है? 16 और हाइड्रोजन का कितना है? 1, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, यहाँ पर आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। सोडियम सल्फेट और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसमें सोडियम का आप 2 मॉलिक्यूल है तो ये 2 आ गया। 2 इंटू सोडियम का होता है मोलिकुलर मास 23 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 एंड 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस यहां पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये 10 से आप मल्टीप्लाई करोगे। और वाटर का कितना होता है? वाटर का आपको पता है, आपने यहां पर निकाला है, ये होता है 18। तो इसको आप जरा कैलकुलेट करिए फटाफट। अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज में कार्बन का होता है 12, तो यहाँ पे 6 है, 6 मॉलिक्यूल्स इसके हैं तो हम यहाँ पर कर देंगे 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16। इनको जल्दी से आप कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ। देखिए ये आपका हो जाएगा 40 और ये होगा 74 मिनट,
ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे मेरे को, इसकी कैलकुलेशन आप मेरे को चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कितना इसका आपका कैलकुलेट करके आया है। इसका अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96, इट विल बी इक्वल टू 180। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे कि इसका कितना मोलर मास होता है। तो इस तरह से आपको मोलर मास निकालना आ गया, आपको ये पता चल गया एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोलर मास क्या होता है। देखो मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे मोल वर्ड आ रहा है तो हमें यहाँ पे मोल का पार्टिकल्स का मास जो है हमें मोल्स का निकालना है, तो वो कितना होता है 6.02 × 10⁻³। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जब कोई भी एटम नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किस तरह से निकालते हैं ये आपको आते हैं, लेकिन एक बार फिर भी क्योंकि हम सारी टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ मोल्स भी डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू गिवन मास, जो आपको मास गिवन होगा क्वेश्चन में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस फॉर्मूले से आप जो है नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो आपने ये कर लिया होगा, एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, आप चेक कर लीजिए, अगर हम इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 322 मीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। और इसके बाद बच्चों हम चैप्टर स्टार्ट, टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का, बहुत इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर होता है और वो आपको यहीं पर सीख करके चलना है, क्योंकि क्लास 12th में आपको पूरा एक मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ना है, वो है सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 9th में थोड़ा सा सीखा था, इसीलिए आप देखो डिफरेंट स्टेजेस पर आपको ये सिखाया जा रहा है। लिटिल बिट टफ होते हैं इसके क्वेश्चंस करना, ट्रिकी होते हैं, टफ नहीं कहेंगे हम, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको स्टेप वाइज आपके जो सिलेबस में रखा गया, जैसे 9th में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था, अब क्लास 11th में एक स्टेप आगे बढ़ा करके करेंगे और क्लास 12th के लिए फिर हम क्लास 11th में ही तैयार हो जाएंगे 12th के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।